सर रांची वाले में भी पुलिस ने बोला कि लोगों ने मस्जिद से निकल के दंगे किए, तो इस पे क्या बोलना सर? तो मतलब दो साइड से भी हो रहा ना, और आप अंसार को, मैं हरगिज नहीं मानता इस बात को, मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता हूं। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर दिल्ली के दंगों के बारे में कहा था, एक के बाद एक, एक के बाद एक कोर्ट के फैसले पढ़ लीजिए आप, जो दिल्ली दंगों के बारे में कोर्ट के फैसले आ रहे। रांची पे क्या बोलना है सर? रांची पे क्या बोलना है? रांची से पूछिए, कांग्रेस को पूछिए, कांग्रेस को पूछिए ना, रांची के बारे में उनसे पूछिए जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। आप एक, अगर आप लोग ये दिमाग बना, जितने भी पावर में हैं, जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या नॉन कांग्रेस के हो, अगर आप लोग ये तय कर चुके हैं कि मुसलमान ही जिम्मेदार है, तो फिर इंसाफ कभी नहीं हो सकता। अगर आप जस्टिस चाहते हैं तो इंक्वायरी कमीशन लगाओ, लगाकर मालूम करो क्यों हो रहा है सब चीजें। ये इसके लिए इंक्वायरी कमीशन की मांग करते हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूं, आप जहां जहां रिस्पेक्टिव, आप जाकर दिल्ली हाईकोर्ट को बोलिए, सिटिंग हाईकोर्ट जज दीजिए, चलिए तहकीकात कराइए, पुलिस का क्या रोल था, पुलिस ने परमिशन दिया, पुलिस ने अगर परमिशन नहीं दिया तो कौन जिम्मेदार, अगर पुलिस ने परमिशन दिया तो कौन से रूट का परमिशन दिया, और अगर तलवारों का परमिशन दिया था कि पुलिस ने, तफंचों का परमिशन दिया था कि पुलिस ने, सब पुलिस को बताना पड़ेगा, और कैसे सच्चाई सामने आएगी। तो सिटिंग जज से इंक्वायरी बिल्कुल कराइए, आप सच्चाई को देश के सामने लाना चाहते करवाइए, आप चाहे झारखंड का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे राजस्थान का हो। मैं राजस्थान के बारे में आप लोगों से 3 दिन पहले बात किया तो आप लोग सवाल किए, आज की रिपोर्ट है, 2 टेलर की दुकान, एक मुसलमान की टेलर की दुकान है, पूरी चल गई। देखिए, पढ़िए आप, अखबार की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है रिपोर्ट वो। मतलब सिर्फ बंगाल, झारखंड, दिल्ली, ये पूरे इंसिडेंट्स पे आप सिटिंग जज से इंक्वायरी बिल कराइए, बिल्कुल करवाइए, सच्चाई को सामने आना चाहिए। आप अंसार को कस्टडी में लिया, उसको आप गलत ठहरा रहे हैं। अंसार के जो हिंदू नेबर्स हैं, वो खुद उसके कैरेक्टर के बारे में तारीफ कर रहे हैं, अंसार के। सर लाउडस्पीकर के बारे में क्यों बात नहीं करना चाह रहे हैं? इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा लाउडस्पीकर आपके सामने बैठा हुआ है ना, और क्या होना आपको? ये कहा जा रहा है कि लाउडस्पीकर महाराष्ट्र में भी है, और छोड़ दीजिए ना, आप ये लाउडस्पीकर की बात करिए, वो महाराष्ट्र की सरकार को बोलना चाहिए। माने दो भाइयों का झगड़ा है, मारो ओवैसी का नाम लेते हैं, अबे नाम बोलो, बाप ने तुम्हारे, पिताजी ने आपका नाम रखा, वो नाम रख के बोलो ना, मगर ओवैसी का नाम लेंगे। हमारे बाप ने हमारा नाम असदुद्दीन ओवैसी रखा, हमारा नाम बोले जाते हैं, वही तो हम कह रहे हैं ना। हमारे अब्बा ने हमारा नाम असदुद्दीन ओवैसी रखा, आपके अब्बा ने आपका कोई नाम रखा, तो बोलो ना, दो भाइयों के झगड़े में ओवैसी को क्यों लेके आ रहे आप? लेकिन सर पहले कर्नाटक में हुआ और अब महाराष्ट्र में भी हो रहा है, ये वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। द स्टेट वेयर एवर वायलेंस हैज टेकन प्लेस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इन दिल्ली द लॉ एंड ऑर्डर लाइज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द यूनियन गवर्नमेंट, एंड दिस इज द फोर्थ वायलेंस विच हैज टेकन प्लेस अंडर द एस्टीम्ड ऑस्पिशियस ऑफ श्री अमित शाह आफ्टर हैविंग बिकम द होम मिनिस्टर। फर्स्ट वॉज द लॉयर्स प्रोटेस्ट, second was the Delhi pogrom, third was the 26 January farmers violence, and the fourth was this. It clearly shows that you have failed in to discharge your duties. Your own police commissioner is saying without permission the procession was taken out, and 2 processions have passed off peacefully in front of that masjid. The third procession deliberately indulged and they wanted to create a nuisance and create a problem. They were successful in that. They erected a flag on the masjid. Please tell me, if it is a religious procession, what is it that makes you to erect a flag on a masjid? Please tell me. How is it that if you are taking a religious procession, you carry swords, you carry arms, you carry country-made pistols, and that too in the capital of Delhi, of our country? Is this the message which you are sending out to the whole country and to the whole world, that this can happen in a capital of a country? And if you have given permission, please show what was the route. Was the route followed? You give permission and you are responsible to maintain the peaceful passing of that procession. And I have been saying this consistently after reading various Commission of Inquiry report, that if the state government wants a communal violence to take place, it happens. If they don't want, nothing happens.